अज साडा पंजाब फैडरेशन वालों गुरदासपुर दे विच कैंडल मार्च कढ़िया गया क्योंकि बीते दिन ही जिस तरह सिद्धू मूसेवाले की गोलियां मार के हत्या कर दी गई है। इस तो पहला भी पंजाब दे विच बहुत ही नामी चेहरे जिन्हां दियां हत्या कर दी गईयां ने पर अजे तक सरकार उन्हां दे हथियारां नूं फड़ नहीं पाई और दिनों दिन पंजाब दे हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ यह अत्याचार कुछ नामी चेहरियां नूं नहीं आम बंदियां नाल भी हुंदे ने। नशे की दलदल के लोग फसते जा रहे हैं। ये सरकार जिते पहला दावा करती थी असी नशा खत्म कर देंगे बिल्कुल सरकार हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। चोरियां का डाकियां का शरेआम गोलियां चलनिया दातर चलने कृपाना चलनिया पंजाब दे विच इस सरकार दे कोलों किसी भी तरह का कोई भी कानून इस तरह का लॉ एंड आर्डर मेनटेन नहीं किया जा रहा हर फ्रंट पर फेल आ। अज सारे ही गुरदासपुर के नौजवान और वक् वक् इलाके के निवासी इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध अपना रोस प्रदर्शन कर रहे हैं ता कि सरकार कुछ जाग सके। जेड़े हालात बिगड़ चुके हैं पंजाब के ये पंजाब नहीं हुण यूपी लगन लग गया और उहदे विच कुछ सुधार हो सके ता कि जेड़ा इस वेले डर का माहौल आ लोगों के जेकर सरकार कुछ पुलिस प्रशासन को कानून बहाल करवाए तो ये एक डर मना चो निकलूगा और नाल ही असी अपील करते हैं सरकार को कि जेड़े भी हथियारे ने जेड़े खुलेआम फिर रहे ने उन्हां नू अरैसट किया जाए उन्हां नू नत्थ पाई जाए गैंगस्टरां नू पंजाब दे विचों खत्म किया जाए और जेड़ा भी नशा हैगा आ उहनू पंजाब चों खत्म किया जाए ता कि पंजाब खुशहाल हो सके और इत्थे दोबारा लोग खुल के आम तरह की वाग घूम सकन। नहीं तो हूँ इस तरह के हालात नहीं रहे पंजाब के कि लोग अपने घरों बाहर निकलना भी ठीक नहीं समझते क्योंकि पता नहीं कितने कोई लुट हो जानी है कितने कोई किसी ने गोली चला देनी आ जां हमला कर देना। सो इस करके अज ये कैंडल मार्च किया गया शांतमई ढंग के नाल पंजाब सरकार के विरुद्ध में सारे ही लोग इत्थे अज इकट्ठे होए ने और सरकार नूं जगाने की कोशिश कर रहे जी। कसूरवार तो ये सीधे तौर पर कह सकते कि सरकार आ और एक तो पहला सिक्योरिटियां वापस लै रहे हो और उल्टा ढंडोरा पिट रहे हो फौकी वाह वाह खट्टन की सोशल मीडिया के उपर कल्ले कल्ले बंदे दे बारे दस दौ कि सिक्योरिटी वापस ली गई है और उहदा इल्जाम अगले ही दिन एक पंजाब का नामी चेहरा जिहड़ा पूरी दुनिया के पंजाब का नाम रोशन किया और अज दुनिया से नहीं रहा। इस करके सीधे तौर पर कहांगा कि पंजाब सरकार की जिम्मेवारी भाजी देखो जिदा पंजाब आए दिन ही नौजवानों के कतल हो रहे हैं तो दिन दिहाड़े रोज़ कोई नवी खबर ही सुनने मिलती है। राती भी जिदा कल खालसा कॉलेज भी तुम देखा आ तो फिर उस तो बाद रात भी एक मुंडे जिदा गोली मल के कतल कर दिता गया। रोज़ की रोज़ असी नवी कोई खबर सुनने मिलते रहे ज़्यादातर खबर यही हो रही है कि नौजवानों का थान थान कतल हो रहा कि नवा बदला लोगों ने इस करके लिया सी तो हूँ वो सरकार कित्थे गई है जिहड़ी सानू जदों सवेरे उठ के फोन फाड़दे सी तां नवें तो नवा वादा नवें तो नवा लारा आउंदा सी हुण रोज़ दे रोज़ पंजाब दा नौजवान मारिया अज दी तरीक दे विच 85 तो वध साडे नौजवान भरावां जिन्हां दा कतल करके मार दित्ता गया कोई नशे 'च मारिया गया ते जां कोई आपसी रंजिशां दे नाल मारिया गया। मैं तां अपने भरावां नूं इही गल कहूँगा जां तां भरावो इकट्ठे हो जाओ ते जां मेरे भरा जिहड़े पढ़ लिख के इत्थों इत्थे पंजाब 'च तरक्की करना गुनाह आ तुसीं पंजाब 'च तरक्की करोगे लोड़ तो वध तां तुसीं गोली खाओगे। मैं तो यही भरावां नूं कहूँगा भरावो जां इकट्ठे हो जाओ अपने सिर जोड़ लो नहीं तो तुसीं बाहर चले जाओ इत्थे रहोगे तो जिहड़ा बाकी तरक्की की उन्हां वांग ही तुहाडा हाल होगा। तुसीं देख सकते हो साडे कबड्डी खिडारी दे जिहड़े कबड्डी खिडारी सी ओह भी मारते साडा डे बाई डे रोज़ ती रोज़ नौजवान मुंडा क्यों मारिया हुण सरकार कित्थे सुत्ती पई है।